राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी आज है 3 मार्च और आज है डेट 28 जुलाई। तो अभी जो है मैं नहा ली हूँ और देखिए पूजा भी कर ली है मैंने। तो बस कार्तिक भी नहा लिया है, गया था मंदिर क्योंकि वो मंदिर जाता है आजकल, सावन का महीना है। मैंने उसे बोला है कि जल चढ़ाकर आने के लिए, तो वो जाता है सुबह नहाकर मंदिर वगैरह हो आया है। तो बस अभी राशि और अक्षत आज स्कूल में गया है, राशि भी अभी सो रही है, कल उसका एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है उसका। तो बस यही चल रहा है। और ये देखिए मैं ये बेडशीट लाई थी कल क्योंकि कपड़े हुए थे रात को, तो बेडशीट लाई थी बिग बाजार से, नहीं लाई कल बिग बाजार था लेकिन बिग बाजार से नहीं लाई, यही एक लोकल शॉप है वहाँ से लेकर आई थी। ये मैंने बिछा लिया और कुशन्स वगैरह भी चेंज कर दिए हैं और मशीन लगाई थी। और ये रात के नहीं है कपड़े, ये जो है मैंने मंडे को मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे तो ये सारे कल ही सूखे थे। तो अभी देखिए कमरे का क्या हाल हो रहा है, पूरा रूम जो है बिखरा हुआ है। रात को तो मार्केट गई थी, थोड़ा बहुत सामान लाई थी, आने के बाद फिर डिनर बनाया, कपड़े धोए तो काफ़ी लेट हो गए थे तो मैं कमरा ठीक नहीं कर पाई थी। तो बस अभी जो है कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख रही हूँ और फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए बनाऊँगी, जो भी वो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह या जो भी कुछ लेंगे वो, तो वही बनाऊँगी उनके लिए। तो कर लेती हूँ जल्दी से अपने पैस फोल्ड में, पैस नहीं फोल्ड। तो जी बच्चे हैं अपने रूम में, कार्तिक और अक्षत दोनों अपना लैपटॉप पे लगे हुए हैं गेम खेलने के लिए, और राशि जो है पढ़ रही है क्योंकि उसका कल लास्ट एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। और ये मैं बना रही हूँ अरबी, अरबी जो है मैंने काटी है और मैं जो है ऐसे ही कच्ची अरबी काट के और लंबी लंबी ऐसे मतलब छील के और उसको लंबे लंबे ऐसे काट के स्लाइसेस में और फिर बनाती हूँ। और इसमें जो है डाल लिया है मैंने तेल सरसों का और साथ ही अजवाइन और हींग, और ये जो है कैकल हो गई है अरबी। अब इसमें डाल दूँगी सॉरी अजवाइन जो है क्रैकल हो गई है, अब इसमें डाल दूँगी अरबी। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, मिर्च और धनिया और नमक, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे अपने अपने। तो ये सारे ही मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए और अब जो है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि जो है ये लगे नहीं, बहुत सारा नहीं डालना पानी, थोड़ा सा ही डालना है। और जब इसमें जो है एक बॉयल आ जाएगा पानी में, तब तक हमें गैस को फुल फ्लेम पर रखना है, और जब जो है बॉयल आने के बाद इसको सिम करके गैस को लो फ्लेम पर एकदम करके और ढक के इसको रख देंगे। और इसको जो है हमें मुश्किल से 15 या 20 मिनट ही लगेंगे इसको सब्ज़ी को बनने में, और जब ये गल जाएगी तब उसके बाद जो है इसमें मैं डालती हूँ अमचूर थोड़ा खट्टे के लिए, तो अमचूर डाल देंगे। तो अमचूर मैं डालूँगी इसमें 1 स्पून और फिर इसके साथ बनाऊँगी रोटी। तो मैं तो अरबी ऐसे बनाती हूँ, कई लोग इसे उबाल कर भी बनाते हैं अरबी को उबाल के, लेकिन हम लोग जो है मैंने कभी अरबी उबाल कर नहीं बनाई क्योंकि वो उसके बाद बहुत स्टिकी हो जाती है, तो उसको फिर छीलना उसके छिलके उतारना बड़ा मुश्किल सा लगता है मुझे। तो मैं जो है कच्ची अरबी को ही ऐसे छील कर और इसको ऐसे काट कर बनाती हूँ, और ये बच्चों मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अरबी जो है
किस तरह से बनाते हैं। तो अब बस इसके साथ रोटी बनाऊंगी, और वैसे इसके साथ पूरी भी अच्छी लगती है, पराठे भी अच्छे लगते हैं, बट मैं अभी रोटी बनाऊंगी। तो बस अब सब जल्दी से कर रहे थे, क्योंकि आज जो है बहुत लेट हो गया है मुझे, क्योंकि मैं अरवी लेकर आई थी पहले, और वो बस दो ही दिन हुए थे, और उसके बाद जो है आज मैंने उसको काटने लगी, तो वो पूरी की पूरी अरवी जो है बाहर से तो एकदम सही थी, और अंदर जब काट के देखा तो कोई कोई अरवी तो बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी जैसे पानी जैसी, और कोई कोई जो है बिल्कुल अंदर से रेड रेड कलर की हो रही थी। तो फिर वो सारी अरवी मुझे फेंकनी पड़ी, इतनी महंगी अरवी आती है, और पता नहीं वो कैसी अरवी थी, मैं इतनी अच्छी छांट के लेकर आई थी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है या पॉलीथिन में या उसमें रखी हुई है पॉली बैग में, मैं लाकर जो है ऐसी सब्जियां जो है आलू ये प्याज ये मैं बास्केट में रख देती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो ख़राब हो गई। फिर मैंने अब से कार्तिक से दोबारा मंगवाई, दूसरी अरबी मंगवाई, तो फिर वो काटी है, तो मैं बहुत ज़्यादा आज लेट हो गई हूँ। अभी जो है देखिए अभी 10 o'clock हो गया है, और मैं इस टाइम तक आके मेरी वैसे भी व्रत की वजह से हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत वीकनेस मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ काम नहीं होगा, तो बस अब जल्दी से सब्जी बन जाए, इतने में आटा वाटा गूंद लेती हूँ, और फिर बनाऊँगी रोटी, और फिर खिलाऊँगी बच्चों को। मिलती हूँ आपसे। राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, और आज है 21 जुलाई, तो अभी जो है बज रहे हैं 12:30, और राशि चली गई है, आज उसका एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का लास्ट एग्ज़ाम, तो आज उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो देखते हैं कब उसका रिज़ल्ट आता है, और फिर इसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो और अक्षत गया है स्कूल, मैं ही हूँ घर पे, और कार्तिक है, तो मैंने पूजा कर ली है, कार्तिक की क्लास हो रही है, तो अभी कार्तिक से मिलवाती हूँ आपको। ये रहे कार्तिक महाराज। हाँ जी, कितनी देर की देर क्लास? कुछ खाना पीना नहीं है? यहीं ला दूँ? हैं, हो गई खत्म सब्जी पूरी है, ला देती हूँ यहीं पर ही। तूने रात को भी नहीं खाई थी? हो गई। तो कार्तिक की क्लास भी हो गई यार खत्म, बर्बाद ही है सर ने तेरे फॉर्म्स। तो क्लास किस चीज़ की थी, कैसे करने मतलब पहले? अच्छा, ये ले ले, इसी में ले ले, राशि खा रही थी वो, खा नहीं पाई। सही है ये सब्जी? उसने तो चम्मच से ली थी, उसमें पूरी पे लगा के थोड़ी ना खाई है। तो मैंने रात को बनाई थी अरवी की सब्जी, और कार्तिक ने खाई नहीं थी, और राशि ने बोला था थोड़ी ज़्यादा बनाना, तो सुबह मैंने उनके लिए पूरी बना दी, तो राशि बस दो ही पूरी खा के गई है, क्योंकि उसे लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस अब कार्तिक भी खा लेगा, और अक्षत भी आ जाएगा, 2 बजे आएगा तो वो भी खा लेगा, और फिर उसके बाद अगर इनको कुछ चाहिए होगा तो फिर मैं बना दूँगी उस हिसाब से। तो पूरी मेरे यहाँ ज़्यादा बनती है रोटी के मुकाबले, और कल अरवी की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टाइम के बाद, इतना लेट हो गई थी मैं कल व्रत खोलने में भी, लेकिन सब्जी उस हिसाब से बहुत अच्छी बनी थी। तो देखिए नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता उनका लंच ब्रेकफास्ट सब एक साथ होता है जब घर में रहते हैं। तो स्टार्ट हो गया है इनका वजीटा, है ना भाई? गोकू वजीटा ये वही है ना? तो अभी कार्तिक बताएगा, कार्तिक खा के बता कैसी सब्जी बनी है। बढ़िया, ये बड़ा टेस्टी बनी है सर। कल कार्तिक लेकर आया था अरवी, और कार्तिक बहुत अच्छी अरवी लेकर आया था। कार्तिक अगली बार से ना जब बनानी होगी ना, एट ए टाइम तेरे से अरवी मंगवाऊंगी,
और तू ही लाइयो, जब भी बना दूंगी, जैसे ही तू लाएगा जब भी मैं बना दूंगी सब्जी वो, ताकि वो रखनी ना पड़े, ठीक है ना। कल तूने छाटी थी या सब्जी वाले ने छाटी थी? तूने छाटी थी? सब्जी वाले ने अपने आप दी थी? किस कौन से से लाया था? ये गाड़ी वाले के पास जो खड़ा होता है वो, उसी से जिससे मैं लाई थी कल परसों। तो अब धीरे धीरे मैं कार्तिक को सब्जी खरीदनी सिखा रही हूँ। आलू टमाटर, आलू और टमाटर तो आ गए हैं कार्तिक को, धनिया भी आ गया है। तो धीरे धीरे इसको सिखा रही हूँ कि सब्जी कैसे खरीदनी है, कैसे छाटनी होती है, किस तरह की सब्जी लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि कभी हो सके इसको पढ़ने के लिए या जॉब के लिए बाहर जाना पड़े, तो इसे आना चाहिए। क्यों भी कार्तिक, सही बात है ना। और कार्तिक धीरे धीरे खाना बनाना भी सीखेगा। चावल इसको आते हैं बनाने, चाय भी आती है, कॉफ़ी आती है काफ़ी। कॉफ़ी कार्तिक बहुत टेस्टी बनाता है। जब कभी अभी बनाएगा तब दिखाऊंगी आपको। चल कार्तिक, आज तो ऐसा कर, नाश्ता करके कॉफ़ी बना दे, सबको दिखा के तू कितनी अच्छी कॉफ़ी बनाता है। क्यों भाई? तो देखते हैं अभी, कार्तिक अभी नाश्ता कर रहा है, फिर मिलते हैं आपसे। अगर इसने कॉफ़ी बनाई मेरे लिए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।